compare the definition of the life of a bearing, the life of an individual ball bearing may be defined as the number of revolution or hour. दोनों में से कोई भी revolution हो या hour हो, which the bearing runs before the first evidence of fatigue develops in the material of one of the rings or any of the rolling elements. यानी अगर किसी bearing में अगर उसको define किया जाए n number of revolution वो move कर जाए या x number of hour, say for example 5000 घंटे अगर वो चल सकता है, चल जाए कोई bearing, ठीक है, उसको अगर वो क्रॉस कर जाए और क्रॉस करने पे क्या हो, उस पर पहला फैटिक फैटिक पहले हम लोग को पता है फैटिक डेवलप हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस बियरिंग की लाइफ कहते हैं, ठीक है। एक और ही पॉइंट हम आते हैं इसमें, रेटिंग लाइफ। रेटिंग लाइफ क्या होता है, ठीक है, तो रेटिंग लाइफ यहाँ पे वैसे तो हम लोग रेटिंग लाइफ अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, 90% 95% 80%, बट हेयर स्टैंडर्ड इज द रेटिंग लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ एपरेंटली आइडेंटिकल बॉल, ठीक है, और रोलर बियरिंग, ठीक है, बॉल हो या रोलर बियरिंग हो, इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, अगेन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो सकता है, और द आवर दैट, यहाँ से जानने वाली बात है, यहाँ पे हम गौर करेंगे दैट 90% ऑफ ए ग्रुप ऑफ बियरिंग विल कंप्लीट और एक्सीड बिफोर द फर्स्ट इविडेंस ऑफ फैटिक डेवलप। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ बियरिंग होगी उनमें से 90% जो बियरिंग होंगी वो उस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को या उस नंबर ऑफ आवर को जो हमने डिफाइन किए होंगे उसको वो या तो वहाँ तक पहुँच जाएगी या तो उसको एक्सीड कर जाएगी, ठीक है, यानी दैट इज ओनली 10% ऑफ ग्रुप ऑफ बियरिंग फेल ड्यू टू फैटिक, यानी फैटिक की वजह से सिर्फ और सिर्फ 10% जो बियरिंग होंगी वो फेल होंगी, 90% तो उसको या तो एक्सीड कर जाएगी या तो वहाँ तक कंप्लीट कर लेगी जो रिवोल्यूशन हम लोग प्री डिफाइन किए होंगे या नंबर ऑफ आवर, ठीक है, और सिर्फ 10% जो होगा बियरिंग वो फेल होगा फैटिक की वजह से। आगे आते हैं हम लोग, एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये है, लेकिन ये रेटिंग लाइफ एग्जाम बहुत पूछता है, ठीक है, और रेटिंग लाइफ जब हम लोग आगे लाइबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग को रेटिंग लाइफ आना चाहिए, इसलिए हम लोग लाइबिलिटी में उसका यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे रेटिंग लाइफ को। एक और टर्म है जो पूछ सकता है एग्जाम में, द टर्म मिनिमम लाइफ क्या होता है, ठीक है, मिनिमम लाइफ को रेटिंग लाइफ से यहाँ डिनोट किया गया है, क्या है मिनिमम लाइफ, द टर्म मिनिमम लाइफ इज ऑल्सो यूज टू डिनोट रेटिंग लाइफ, ठीक है, कैसे आगे देखते हैं हम लोग, इट हैज बीन फाउंड दैट द लाइफ विच 50% ऑफ ग्रुप ऑफ बियरिंग, इससे गौर करेंगे, विच 50% ऑफ ग्रुप ऑफ बियरिंग विल कंप्लीट और एक्सीड इज अप्रॉक्सीमेटली 5 times द लाइफ विच 90% द बियरिंग विल, द 90% ऑफ द बियरिंग विल कंप्लीट और एक्सीड, इसका मतलब ये हुआ